कुछ दिन पहले दोस्तों मैंने वीडियोस बनाया था जहां पर मैंने बताया था कि कैसे आपको बेटर क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको अप्रूवल मिला था, जिसमें मेरे को 60,000 का लिमिट मिला था और उसका फिजिकल कार्ड जो है दोस्तों यानी कि फिजिकल जो क्रेडिट कार्ड होता है वो कैसे आपको मिलेगा वो भी चीज मैंने बताया था कि वो ऑटोमेटिक जो है ऑर्डर हो जाता है और विद इन 7 डेज के अंदर अंदर आपके घर के पते पे आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो है मेरा एड्रेस है वो दिल्ली का था जहां पे मेरा डिलीवर हुआ था, लेकिन वहां से मैं बाई पोस्ट अपने घर पे मंगा लिया हूं। तो फाइनली कुछ इस तरीके से इसका लुक देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मेरा एक और कार्ड आया हुआ है, किट आया हुआ है, जिसका नाम है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जैसे आप देख सकते हो। अगर इसके ATM बात करूं तो कुछ ATM इसका इस तरीके से आएगा और प्लेटिनियम है, सैयद अंसारी, यहां पे रुपए डेबिट कार्ड है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, जीरो बैलेंस बैंक है। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कीजिए, फुल KYC कीजिए वीडियो कॉलिंग करके, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है, कोई भी दोस्तों इसमें मेंटेनेंस चार्ज रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एनीवे इसका तो अनबॉक्सिंग दोस्तों नहीं आएगा, लेकिन रिसेंटली इसमें सिर्फ बताता हूं, इसका इसमें चेकबुक आ जाएगा, ATM आ जाएगा और साथ में आपको नेट बैंकिंग वगैरह सब कुछ इनेबल कर सकते हो इजीली। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि जो बेटर का क्रेडिट कार्ड है इसको कैसे हमें एक्टिवेट कर लेना है, इसका लुक क्या आता है, मैं भी एक्साइटेड हूं इसको देखने के लिए। तो A to Z इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अप्लाई करने का प्रोसीजर कहां मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाइए, अच्छा खासा आप लोगों का रिस्पॉन्स आया हुआ है तो उस पर क्लिक करके वीडियो को देखिए और अप्लाई कीजिए। यहां पर कोई भी सिविल का झंझट नहीं है, अभी हाईलाइटेड सिटी मिल रहा है आप सभी को, तो आप थोड़ा सा हाईलाइटेड सिटी से हो तो इजीली आपको अप्रूवल यहां पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कैसा हमें कार्ड मिलता है। का बात करूं दोस्तों तो कुछ इस तरीके से कार्ड आपके सामने है, ये कवर के अंदर बन के आएगा। यहाँ पे यू मेक एवरीडे बेटर, साथ में दोस्तों स्मार्ट बैंकिंग बाई, यहाँ पे SBM बैंक, यहाँ पे आपका डिलीवरी का जो है डिलीवरी से यहाँ पे आएगा जो एड्रेस होगा टोटल आपका यहाँ पे, ठीक है। साथ में यहाँ पे देख सकते हो स्कैन द QR कोड फॉर द मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म एंड कंडीशन, ठीक है ना। इसके बारे में अगर पढ़ना हो तो इजिली आप इसको स्कैन करके रीड आउट कर सकते हो। ओपन का अगर दोस्तों बात करें तो सिंपली यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे एक लॉक दिया हुआ है, इसको लॉक को यहाँ से सिंपली यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे एक कवर आपको मिल जाएगा, इसको निकालते हैं हम साइड में। तो सिंपली आप करना क्या है, ये बहुत ज्यादा इसका जो है हार्ड दिया गया, ठीक है, ये वाला जो है इसको ओपन करने का तरीका जो बहुत ज्यादा हार्ड है, फास्ट तरीके से जितना दम लगे उतना दम लगा के आपको इसको निकालना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया हो गया है, नो फियर, नो बाउंड्रीज, नो एक्सक्यूज। उसके बाद से कस्टमर केयर का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप बात कर सकते हो। तो इसको हम लोग कर लेते हैं साइड में, इसको एक्टिवेट करने के लिए इसको स्कैन करना पड़ेगा, हम अभी इसको स्कैन कर हम लोग करेंगे। बात करते हैं दोस्तों कार्ड का, तो कुछ इस तरीके से कार्ड आपको देखने को मिलेगा जो कि काफी ज्यादा यूनिक है। आपका नाम आ जाएगा यहाँ पे, आप देख सकते हो कि आपका वैलिड ट्रूथ स्मार्ट बैंक है, यहाँ पे SBM बैंक जो है, यहाँ पे बेटर क्रेडिट कार्ड जो यहाँ पे आके बन के आ जाएगा। साथ में अगर बैक का अगर बात करो तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन बन के आएगा, देख सकते हो। अब बात करते हैं तो इसको एक्टिवेट कैसे करना है, तो सिंपली उसके लिए आपने बेटर एप्लीकेशन जो है इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से ऑप्शन बन के आ जाएगा, सिंपली यहाँ पे एक्टिवेट प्लास्टिक कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली यहाँ पे एक्टिवेट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पूछ रहा है डू यू रिसीव बेटर प्लास्टिक कार्ड क्रेडिट कार्ड, तो सिंपली यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है OTP डालने के लिए, तो आपके नंबर के ऊपर एक OTP आएगा, 4 डिजिट का वेरीफाई करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे 4 डिजिट योर कार्ड नंबर जो है लास्ट का 4 डिजिट आपका कार्ड का नंबर डालना है, और डालने के बाद दोस्तों सिंपली कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका कार्ड यहाँ पे जैसे वेरीफाई होगा, यहाँ पे बोल रहा है कि सेट 4 डिजिट ट्रांजेक्शन पिन, यानी कि 4 डिजिट का ट्रांजेक्शन पिन यूज करना है, ताकि अगर कभी भी ATM से भी विड्रॉल करो तो यहाँ पे इजिली आप पिन को यहाँ पे डालना पड़े, तो आप यहाँ पे डाल लेंगे। उसके बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पे एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका बन के आ गया है, योर कार्ड इज एक्टिवेटेड, यहाँ पे व्यू कार्ड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके अब इजिली अपने कार्ड वगैरह को देख सकते हो, और यहाँ पे जो एक्टिवेट कार्ड का ऑप्शन था वो एक्चुअल हट चुका है, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे बेस्ट कंटेंट मिले। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।